देखिए, जहाँ तक सीटों का मामला है रिजर्व सीट का, कानूनी तौर पर तो मुझे नहीं लगता वो नहीं सकते, बट होने को तो पाकिस्तान में बहुत कुछ उसको कराया नहीं, मैं कानूनी तौर पर नहीं। आप साइफर के वाले से क्या कहते हैं कि वाकई बड़ा ख़राब केस बनाया गया था? साइफर का केस के अंदर अगर अब तो जजमेंट आ गई है तो जबान से निकल गई वो जजमेंट, और अगर साइफर में जो एक चीज़ अच्छी हुई है वो जज मोसेस जज हजरात ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने कौम को बताया, ये तो बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो गया ना, आप हर चीज़ कौम को बताएंगे, अच्छा भी बताएंगे बुरा भी बताएंगे। बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बाकी केसेस का भी यही असर होने जा रहा है। देखिए, 75 साल से पाकिस्तान की हिस्ट्री 6-9-9 कर रही है, तो नथिंग न्यू, अगर ये भी होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पहले जो था वो भी प्रॉब्लम है, वक्त हर वक्त ज़रूरत निकाल भी देते हैं ये भी आपको। मुहम्मद कमीशन रिपोर्ट पे क्या कहेंगे पीटीआई? कुल्हाड़ा मारा है पीटीआई ने अपने ऊपर, और मेरा अपना ख्याल है कि यूजली इस टाइप की चीज़ों के बाद पार्टी बैन की तरफ जाती है, और अगर आप देखें एनपीएम लंदन को तो उनको बैन किस बात पे किया था, इसी तरह की चीज़ थी, और अगर आप तरीके लद्दाख को भी देखें तो वो तो मुल्क के साथ भी मुखलस हैं, फौज के साथ भी, अदलिया के साथ भी, उनको फोर्थ शेड्यूल में डाला हुआ है क्योंकि वो च्युइंगम और जीन्स नहीं पहनते। आप समझते हैं सियासी जमातों को बैन करना एक ऑप्शन होना चाहिए जमहूरियत में? देखिए, अगर आप असूली तौर पर नहीं, लेकिन अगर सियासी जमातें उस लेवल पे चली जाएंगे मुल्क तोड़ने की साजिश कर दी जाए लोगों को, और एक क्योस क्रिएट करते दुश्मन का काम करना शुरू हो जाए, तो वो तो मुझ पे और आप पे भी आपकी। लेकिन माजी में नवाज शरीफ साहब भी हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर बात कर चुके हैं। मैंने कहा ना 6, अब 9, फिर 9, फिर 6, चलता रहेगा। थैंक यू जी।